नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नवाज शरीफ ने माना कि कारगिल युद्ध भारत की पीठ में छुरा था। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मान ही लिया कि कारगिल युद्ध भारत की पीठ पर छुरा घोंपने जैसा था। उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर 15 फरवरी को पैनल डिस्कशन के दौरान ये बात कबूली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती को याद करते हुए शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया। उन्होंने कहा था कि जनाब, एक तरफ तो लॉ ऑफ डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ कारगिल का मिस एडवेंचर देकर पीठ में छुरा घोंपा गया। शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी जगह मैं होता तो यही कहता, उनकी पीठ में वाकई छुरा घोंपा गया था। शरीफ ने मजबूरी जताते हुए कहा कि लेकिन मैं ये गिला किससे करूं अब। उन्होंने कहा कि जिस रब को आप मानते हैं उस रब को हम भी मानते हैं, उनसे ही गिला करूं। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि पाकिस्तान का गुलाम कश्मीर पर कब्जा गैरकानूनी। जम्मू एवं कश्मीर में खासी दिलचस्पी रखने वाले ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान को इसे खाली करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने 1947 में भारत के साथ रहने का फैसला किया था और पाकिस्तान का इस राज्य पर कोई दावा नहीं। ब्रिटिश सांसद ने जम्मू में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ये बात कही। देश की व्यवस्था पर बॉब ने कहा कि मोदी सरकार ने शानदार शुरुआत की है, विश्वास जगाया है और जमीनी स्तर पर बदलाव महसूस हो रहा है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। कन्हैया नहीं उमर खालिद है देशद्रोह का असली गुनहगार। जेएनयू कैंपस में हुए देश विरोधी कार्यक्रम में एआईएसएफ के जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के नारे नहीं लगाए थे। इस बात का खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की 4 पेज की उस रिपोर्ट में जिसे उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। हालांकि अभी जांच जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया मौके पर जरूर मौजूद था, लेकिन न तो वहां आयोजकों में शामिल था और न ही उसने नारेबाजी की थी। नारे लगाने वालों में शामिल जेएनयू के ही उमर खालिद को लेकर पता चला है कि संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन उसी ने किया था। वह कई महीनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। मामले में पुलिस को खालिद की तलाश है और वह फरार बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए वह कश्मीरी युवकों को लाया था। 7 फरवरी को ऐसे 10 युवक जेएनयू में प्रवेश हुए थे। इसके 2 दिन बाद ही उक्त कार्यक्रम हुआ था और पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 जैसे नारे लगाए गए थे।